अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी आज मेहमान आने हैं घर पर, और काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि ईद पर कोई भी नहीं आया था, तो आज बस जहाज़िब की सिस्टर आ रही थी तो उनका जो है ना इंतज़ार कर रहे थे हम, तो बस नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद जो है वो बच्चे खेल रहे थे। ईद तो चली गई है पर जो है ना अभी तक गाय वाला खेला जा रहा है, तो बस बच्चे खेलने में मसरूफ़ थे। और जो है मैं किचन में चली गई थी तो सोचा आज कचरी कीमा बना देती हूँ, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं खाना वगैरह बनाने में मसरूफ़ थी और जो है वो मेहमान आ गए थे, थोड़ा उनको भी टाइम दे रही थी और थोड़ा सा किचन में भी आकर खाने को भी देख रही थी, तो बस इसी तरह से जो है ना वो टाइम गुजरा। और उसके अलावा आज रात को जो है हमारे अपने घर में जो बारबेक्यू का प्रोग्राम होता है, मतलब जहाज़िब के भाई के घर में, तो आज वो होना था। तो यहाँ पर जो है वो वीडियो जो है आगे सारी जो है ना रुमीसा ने बनाई थी, क्योंकि मैं मसरूफ़ थी सबके साथ। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कबाब और बोटियाँ, तो यहाँ पर भी यही था। मामी और मामी टिक्का मसाला दे दो, कबाबों पे लगाना है। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मुझे वीडियो बनाने के बाद बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होता है इस चीज़ को मैनेज करना, लेकिन जो है ना मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, तो अब जो है इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी। लेकिन बस बैकग्राउंड पे वो शोर और ये सब कुछ, तो उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि पता नहीं आप लोगों तक मेरी सही आवाज़ आए या ना आए, पहुँचे ना पहुँचे, तो इसीलिए जो है मैं बैकग्राउंड जो है ना वो सारा म्यूज़िक वीडियो का बंद करके और वॉइस ओवर करती हूँ, तो ये भी फिर एक टाइम मैनेज करना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है वो बोटियाँ देखें सीखों पर लग चुकी थी और उसके बाद जो यहाँ कोयले वगैरह जल गए थे, तो अब जो है इसमें जो है ना इतना ज़्यादा धुआं घर में हो जाता है तो आंखें वगैरह भी जल रही थी, तो बस ये लड़के लड़के मसरूफ़ होते हैं, तो इन दिनों जो है हमारी छुट्टी होती है, हम आराम से होते हैं, तो ये सारा जो कुर्बानी का निज़ाम होता है संभालना करना, तो ये इन लड़कों के हवाले होता है। हमारे को आया हुआ था, उसने बनाई क्या बेहतरीन बनाया, बकरी की रोटी आज बनाई है ना, बकरे की इतनी बड़ी बड़ी बोलियाँ। बिस्मिल्लाह। अब काफी देर से लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है बारबेक्यू हमारा हो गया था कंप्लीट, तो बस इंतज़ार कर रहे थे। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, तो जैसे ही अम्मी नमाज़ पढ़ती हैं तो फिर उसके बाद हम लोगों ने शीट लगा ली थी खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद जो है वो चाय पीने को दिल चाह रहा था, तो सोचा कि कोयलों पर चाय बनाते हैं। तो जी यहाँ पर हो रही थी चाय रेडी और बच्चों के साथ कर रही थी मैं गपशप, तो जो है वो चाय कोयले जो है ख़त्म हो गए थे, तो हम लोगों ने लकड़ियाँ जला दी थी और इसके ऊपर चाय बनाए थे, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी चाय बनी थी। तो चलें जी अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।